बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ FIE की जो भी रनिंग क्लियर हुई है। बहुत सारे लोगों ने एक ये क्वेश्चन किया है और मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं कि मतलब बिलाल भाई, हमारे ये जो चेस्ट है वो 88 सेंटीमीटर है और 88 सेंटीमीटर है वगैरह वगैरह। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि यार कहीं पर भी सेंटीमीटर तो मेंशन है ही नहीं, तो आप सेंटीमीटर की बातें क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कर रहे हैं। फिर सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर जो चेस्ट है ना, पहले मैं आपको बता दूँ चेस्ट चाहिए कितनी। अगर आपने रनिंग क्लियर की है तो इसमें आपको चेस्ट चाहिए 33 से 34.5। अब ये होता है कि 33 इंच जो आपकी नॉर्मली हो, फिर उसको आप जब यूँ फुलाते हैं ना, जब वो कहते हैं यार सांस लो, जब आप फुलाते हो उसको, तब उसके बाद 34.5 होनी चाहिए, यानी 1.5 इंच का फुलाव होना चाहिए, भले फिर 35 हो, 36 हो, 37 हो। अब उसके बाद लोग ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, क्योंकि अगर आप फेल हो या पास हो या कोई आपकी चेस्ट में मसला है तो वो आपको वहीं बता देते हैं, क्योंकि जब आप रनिंग क्लियर करने के बाद जब आपकी चेस्ट वगैरह करते हैं वो बताते हैं नहीं लड़के तुम्हारी चेस्ट पूरी नहीं है, या कभी बताए थे हाँ हाँ बेटा पूरी है आप जाओ। तो इस तरीके से होता है, मुझे समझ नहीं आ रही लोग ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं। अब इसमें ये होता है कि जब आपसे वहाँ पर आपका टेस्ट होता है, आप यहाँ से रनिंग क्लियर करते हो, वो आपकी स्लिप वगैरह चेक करते हैं, NIC चेक करते हैं, साइन वगैरह लेते हैं, हर चीज़ वहाँ चेक होती है। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि यार आपकी चेस्ट पूरी है या नहीं है, सबके सामने हो रही होती है, जाहिर है हाइट भी वहीं हो रही होती है, चेस्ट भी वहीं हो रही होती है, तो सेंटीमीटर में तो आप चेक ही मत करो। पता नहीं क्यों सेंटीमीटर में चेक कर रहे हैं आप, खाली अपनी चेस्ट ये देखो कि 33 आपकी कंप्लीट है या 34 है, और फुलाने के बाद अगर 1.5 इंच का फुलाव है तो इट्स ओके, आपकी चेस्ट बिल्कुल ठीक है। तो मेरी ये वीडियो फ़िलहाल आज इससे रिलेटेड थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया तो मुझे लगा यार इसके ऊपर अभी वीडियो बनाऊं और एक लोगों की कुछ कन्फ्यूजन वगैरह शायद क्लियर हो मेरी वीडियो से। फिर सेकंड चीज़ ये कि जो सेकंड मैंने बात करनी थी वो थी इंटरव्यू के रिलेटेड। इससे मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोग अभी काफ़ी लोगों ने कहा कि यार इंटरव्यू से रिलेटेड भाई एक वीडियो देखनी है, तो मैंने कहा था कि चलें बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की, और अगर आप चाहते हैं एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल मेरी आज की वीडियो यही थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप जाना चाहते हैं इस तरह की और जॉब्स के बारे में, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की और वीडियोज़ पहुँचती रहें। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरा फेसबुक का पेज भी आ चुका है, अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।